काली स्टूडेंट की सांप का रेस। एक गांव में दिनेश नाम का आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। पिताजी, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं स्कूल जाऊंगा। दिनेश अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। राजू कहने के साथ उसे गाड़ी लाके दे देता है। गाड़ी लेकर राजू स्कूल जाता है। इधर पिंकी और विनोद स्कूल जा रहे थे। पिंकी दिखने में काली और विनोद दिखने में गोरा। विनोद, गाड़ी कैसा है? तुम्हारा गाड़ी बहुत ही अच्छा है। मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, हम दोनों साथ में स्कूल जाएंगे। राजू, मुझे भी ले चलो, तुम तो काली हो, तुम्हें कौन लेके जाएगा? राजू पिंकी का मजाक करते हुए स्कूल चला जाता है। इधर पिंकी अपने काले शक्ल को लेकर बहुत दुखी हो जाती है। अब मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। पिंकी की बातें सुनकर उसका दोस्त बैग से बाहर आता है। इतनी छोटी सी बात पर क्यों रो रही हो? तुम तो बहुत ही खूबसूरत दिखती हो। अगले दिन पिंकी स्कूल जा रही थी, तभी राजू और विनोद उस रास्ते पे बाइक रेस लगा रहे थे। देखते ही देखते विनोद बाइक रेस जीत जाता है। मैंने कहा था तू मुझे हरा नहीं सकता, सुबह सुबह पिंकी का शक्ल देख लिया था, इसलिए मैं रेस हार गया। राजू पिंकी को चिढ़ाते हुए स्कूल चला जाता है। तभी सांप बैग से बाहर आता है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है, इन्हें दिखाना पड़ेगा गोरे काले का फर्क। सुबह हो जाती है, कल की तरह विनोद और राजू रेस के लिए तैयार थे। तभी पिंकी सांप के ऊपर बैठकर आ जाती है। तू सांप के साथ रेस करेगी? तुम्हारी बाइक से अच्छा भागता है, अगर मैं जीत गई तो मेरे शक्ल से नफरत नहीं करोगे और मेरे अच्छे दोस्त बनोगे, चैलेंज मंजूर है। विनोद और राजू तैयार थे और पिंकी सांप के साथ तैयार थी। 1 2 3 गो! विनोद और राजू पिंकी से आगे भाग जाते हैं। ये देखकर सांप अपनी स्पीड बढ़ाता है। देखते ही देखते सांप दोनों से आगे हो जाता है और रेस जीत जाता है। पिंकी, हम दोनों को माफ कर दो। पिंकी राजू और विनोद को माफ कर देती है और खुशी खुशी तीनों दोस्त स्कूल जाते हैं।